माय डियर स्टूडेंट, आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रियाएं, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं बेटा आपके लिए कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ये किस प्रकार कार्य करती हैं। तो बेटा सबसे पहले हम वियोजन अभिक्रिया को देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, तो इसमें यौगिक जो होते हैं बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि ये वियोजन अभिक्रिया होती है जो बाह्य कारकों द्वारा क्या है अपघटित हो जाती है। अपघटित का मतलब होता है टूटना। तो ये दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाती है। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकार अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। तो ये अभिक्रियाएं ऊष्मा के प्रकाश में, प्रकार तथा विद्युत द्वारा ही क्या होती हैं, ये तीनों अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो बेटा ये वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया जो तीन प्रकार की होती हैं, तो सबसे नंबर एक हमने ले लिया है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया होती है हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, और तीसरी जो रिएक्शन होती है वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया के पहले पॉइंट को लेते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले हम परिभाषा से डिफाइन करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। तो बेटे इसमें क्या होता है कि ये अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा की उपस्थिति में होती है। कहने का मतलब है कि इन अभिक्रियाओं के लिए हम गर्म करने पर होती हैं। तो इन रिएक्शन को जब हम गर्म करते हैं तब ये रिएक्शन उत्पन्न होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है CaCO3, इसका रासायनिक नाम होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। अगर इसके साधारण नाम की बात करें तो ये होता है बेटा चूना पत्थर। तो चूना पत्थर को जब हम गर्म कराते हैं तो हमने तीर पे लिखा हुआ है ऊष्मीय अपघटन। अगर आप चाहें तो तीर के ऊपर ऊष्मीय अपघटन लिख भी सकते हैं, और अगर ऊष्मीय अपघटन ना लिखें तो तीर पर एक डेल्टा का चिन्ह लगा सकते हैं। इस डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, गर्म करने के लिए होता है। तो इस प्रकार तीर पर ऊष्मीय अपघटन लिखा है और हमने इस रिएक्शन को गर्म कराया है। तो जब CaCO3 को गर्म कराएंगे तो ये हमारे दो भागों में टूट जाएगा, नंबर एक CaO। तो ये CaO रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस दूसरा हमारा जो टूटता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से बिना बुझा चूना बन जाता है, और बिना बुझा चूना का साधारण नाम होता है कलई। तो इस प्रकार इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर के लिए बाहर निकल जाती है और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर इसका रासायनिक नाम होगा CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट, और साधारण नाम क्या होगा बेटे इनका, चूना पत्थर। एरो के बाद हम देखते हैं, हमने पहले बता रखा है कि एरो से पहले कौन से होते हैं, अभिक्रिया कारक अणु होते हैं जो क्रिया करते हैं, हमेशा LHS पर क्रिया कारक अणु होते हैं, और ये LHS बराबर क्या होती है, RHS होती है, और RHS पे हमेशा क्या होते हैं बेटा, उत्पाद अणु बनते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे, उत्पाद अणु हो गए जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार ये तो हमारी कौन सी रिएक्शन की बात हो गई,
वियोजन अभिक्रिया की फर्स्ट रिएक्शन ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की बात हुई। अगली जो रिएक्शन आती है, दूसरी रिएक्शन की हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस क्या होती है कि ये वह वियोजन अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा क्या है, वह वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब प्रकाश अपघटन कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में क्या है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्योंकि इसमें जो प्रकाश होता है इसमें प्रकाश का महत्व होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिया है 2AgCl और एरो पर हमने लिखा है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जब हमारे ये सूर्य का प्रकाश बना तो हमारा 2Ag और प्लस Cl2 ये दो भागों में टूट गई, जिससे Ag क्या होती है सिल्वर, Ag क्या होती है सिल्वर, जिसे हम चांदी के नाम से भी जानते हैं। Cl2 क्या होती है क्लोरीन, क्लोरीन गैस, और ये गैस क्या होती है मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार सूर्य के प्रकाश पड़ने पर चांदी अपनी चमक उत्पन्न करती है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हम वियोजन अभिक्रिया के सबसे पहले इसी प्रकार पहचानेंगे कि एरो से पहले एक ही क्रियाकारक मॉलिक्यूल होगा और तीर के बाद वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। तो इसी प्रकार आपने देखा कि ऊष्मीय वियोजन में CaCO3 है और वो क्रिया करने के बाद दो भागों में टूट रहा है। प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस में भी आप देख रहे हैं कि तीर से पहले एक ही क्रियाकारक है सेलुलर क्लोराइड, जो कि दो भागों में टूट रहा है। तो AgCl जो होता है इसका पूरा नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड। तो बेटा साथ के साथ कॉपी पेंसिल के साथ आप क्या है इनके लिए नोट करते रहिए, और साथ के साथ आप क्या करेंगे, जब आप नोट करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही क्या कर लेंगे इसके लिए एक बार दोबारा रिपीट, बस मात्र आपके लिए एक बार ही दोहराने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें बेटा विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो विद्युत अपघटन क्या होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे हम। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब जलीय विलयन में हम क्या करते हैं विद्युत लाइट को प्रवाहित करते हैं तो ये दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाती है, कहने का मतलब टूट जाती है। इसमें खास बात क्या होती है, इस प्रक्रम में धनायन तो कैथोड पर ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। तो इसमें धनायन और ऋणायन को देखते हुए कैथोड और एनोड पर ही एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने किसका लिया, जल का लिया है 2H2O और हमने एरो लगाया है और एरो पर लिखा है हमने विद्युत अपघटन। तो बेटा विद्युत अपघटन जो होता है, अब हम विद्युत की उपस्थिति में क्या कराएंगे इनकी रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर जो टूट जाएगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा जो कि कैथोड पर हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन एनोड पर। तो कहने का मतलब इसमें कैथोड और एनोड पर कार्य होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये क्या हो गया क्रियाकारक, क्रियाकारक और ये हो गया उत्पाद, क्योंकि ये क्रिया कर रहा है और ये हमारे क्या बन गए उत्पाद बन गया। तो इस प्रकार क्रियाकारक और ती के बाद उत्पाद, तो LHS कौन सी साइड होती है, क्रियाकारक वाली हमेशा LHS साइड होती है और उत्पाद वाली हमेशा राइट हैंड साइड होती है। अब बात करेंगे कि आप लोग जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में जब आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारे चिन्ह होते हैं, तो हमारे चिन्ह होते हैं तो हम आपको बता दें यहाँ पर कि एक होता है एस, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है जी,
और एक होता है AQ। तो इन सब का मायने क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं S। तो S का मतलब होता है सॉलिड, S का मतलब होता है सॉलिड, और L का मतलब होता है लिक्विड, L का मतलब होता है लिक्विड, और G का मतलब होता है गैसेस, G का मतलब होता है गैस, और AQ का मतलब होता है सॉल्यूशन, A का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो इस प्रकार जब जो रिएक्शन होती हैं, तो रिएक्शन में हम देखते हैं कि इनके आगे जो चिन्ह लगे होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ उसमें अपघटन अभिक्रिया का, जैसे CaCO3 और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डेल्टा लगा दिया, क्योंकि हमने बताया या तो हम उसमें अपघटन लिख सकते हैं या फिर डेल्टा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे तोड़ा था CaO+CO2। तो हम इसके आगे जब देखेंगे तो हम कैसे लगाएंगे, तो हमें पता है CaCO3 क्या है, एक सॉलिड स्टेट है, तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, तो हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, S दिखा दिया, और हमने यहाँ पर दिखाया है कि CaO है, तो ये भी कैसे होता है, सॉलिड होता है, तो यहाँ भी हमने S दिखा दिया। तो S का मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, और CO2 क्या होती है, हमेशा गैस होती है जो कि ऊपर के लिए वायु में निकल जाती है। तो इस प्रकार क्या है, हम जो इनके प्रतीक सिंबल हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और सॉल्यूशन के आधार पर हम इनके लिए देते हैं। तो ये आज का आप हमारा टॉपिक था विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के हमने आज आपको तीनों पार्ट समझाए हैं, विद्युत उष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। तो मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल के सब्सक्राइब करें और लाइक करें।